3 से 4 घंटे भिगोया गया था पानी के अंदर। अब इसको एक चादर के ऊपर बिछा दिया गया है ताकि ये आपस में चिपक जाता है, जुड़ जाता है, हवा लगने से भी खुल जाता है। अब इसे एक पाल में बिछा दिया गया है, उसे भी अब ये हारी जो है वो अपना बीज उठा रहा है। इसके बाद जो है इसको छटा किया जाएगा। ये प्याज की नर्सरी के बेड है, पानी भरा दिया गया है। अभी शाम के वक्त बीज छटा जा रहा है, पानी डबल भरा के दो दफ़ा भराते हैं। 1-3 बजे के करीब पानी देते हैं, इसके अंदर पानी भराते हैं, फिर वो ज़मीन पी जाती है। ज़मीन थोड़ी वरासी है, मतलब नरम ज़मीन है। उसके बाद दूसरी मरतबा पानी भराते हैं। पानी भराने के बाद फिर पानी के अंदर, नमी के अंदर ही बीज छटा जाता है। अभी मगरिब तक बीज छटा जा रहा है, हो जाएगा। फिर इसके ऊपर जो मिट्टी आएगी, पंजाब वाले भल कहते हैं और सिंध वाले वारी कहते हैं, वो मिट्टी जो है वो सुबह फजर के वक्त आएगी। धूप निकलने से पहले पहले आपको मिट्टी डाल देनी है सुबह। अगर आप धूप निकलने के बाद मिट्टी डालेंगे तो ये ज़मीन जो है फट जाएगी, ज़मीन जो है खुल जाएगी, इसमें चीरियाँ हो जाएंगी, लकीरें हो जाएंगी। का छट्टा किया जा रहा है। सुबह जब इस बेड के ऊपर जब मिट्टी डाली जाएगी, मिट्टी डालने के बाद इसके ऊपर केले के पत्ते बिछाए जाएंगे। केले के पत्ते इस वजह से लगाए जाते हैं कि प्याज के बीज जर्मिनेशन अच्छी करते हैं। केले के पत्ते लगाने की वजूहत ये हैं कि इससे बीज जो है आपका जर्मिनेशन 90% से ज़्यादा करता है। और केले के पत्ते जो है वो 4 से 5 रोज़ के बाद हटाए जाएंगे। उसके बाद जब तक पानी नहीं दिया जाएगा ना, इसके अंदर नमी मौजूद होगी। जब बीज अंगूर जाएगा उसके बाद जो है पत्ते हटा दिए जाएंगे और उसके बाद शाम के वक्त पानी भराया जाएगा। फिर रोज़ाना शाम के वक्त पानी भराया जाएगा। शाम के वक्त पानी भराने की से आपको फ़ायदा ये है कि आपका बीज जलाव नहीं करेगा। और आप सुबह के वक्त धूप के अंदर पानी भराएंगे तो आपको आस्ता आस्ता आपकी बेड जो है वो खाली होते जाएंगे, बीज आपका जलता जाएगा। तो इसलिए मेरा आप सबको मशवरा ये है, आप जब भी पानी भराएं नर्सरी के अंदर तो शाम के वक्त 5 बजे के बाद भराएं। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये बीज को छटा हुए आज 5 से 6 रोज हो गए, इसके पत्ते उठा दिए गए हैं। बेड पे से आप जर्मिनेशन देख सकते हैं, जर्मिनेशन आप देख सकते हैं, इसे आज 6 से 7 रोज़ मुकम्मल हुए। जी बिल्कुल, पत्ते आपको किस तरह बिछाने बेड के ऊपर ये आप देख सकते हैं। पत्ते इस तरह बिछाने हैं कि आपकी कोई जगह खाली नज़र ना आए, मतलब धूप ना लगे। जहाँ पर धूप लगेगी वहाँ जर्मिनेशन आपकी कम होगी, इसलिए घने करके पत्ते बिछाएंगे तो आपके जो है पत्ते, या एक बाहर भी लगाते हैं, प्रियाली भी लगाते हैं पंजाब में, हम लोग केले के पत्ते इस्तेमाल करते हैं। जो है केले के पत्ते की छांटे हैं, इस वजह से कोई और चीज़ें लगाते हैं, बाहर भी लगाते हैं, प्रियाली भी लगाते हैं। तो घनी करके लगाएंगे ना पत्तों को, जहाँ धूप नहीं लगेगी तो आपकी जर्मिनेशन अच्छी होगी। जी आपने देखा, अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इंशाल्लाह हमारे पेज को लाइक करें। और इंशाल्लाह इसके बाद आपको बारी बेड बनाना, प्याज की नर्सरी के लिए बेड बनाना किस तरह बनाए जाते हैं वो तो
अगली वीडियो में इंशाल्लाह।